सो हे गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग बीइंग एक्चुअल चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि कौन सा डोमेन आपके लिए बेस्ट होगा और कौन कौन से डोमेन्स है कॉग्निशंट में। अगर आप कोई भी फील्ड में जाओगे, कोई भी आईटी इंडस्ट्री में जाते हो, तो ये सब डोमेन्स आपको जरूर मिलने वाला है। तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जो अलग कंपनीज में काम करना चाहते हैं और अपने लिए एक अच्छा डोमेन चाहते हैं, क्योंकि डोमेन बहुत ज्यादा मैटर करता है और आप कंफ्यूज होते हैं कौन सा डोमेन चूज करें और फिर आप स्टक हो जाते हो कोई एक गलत डोमेन पे और आपको फिर इंटरेस्ट लूज होने लगता है। फिर आप अपना स्ट्रेंथ, अपना कॉन्फिडेंस लूज करके आप डिग्रेड हो जाते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कौन कौन से डोमेन्स हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। पहला नंबर पे आ जाता है मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में आपको क्या जानना जरूरी है? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे से जानते हो तो आप ये फील्ड में जा सकते हो। एक और फील्ड है जिसको बोलते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग, उसका इसमें कोई जरूरत नहीं है, उसको आप स्किप कीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पर ये वीडियो है मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर। ये एक प्रोफाइल है जो कि कॉग्निजेंट में है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज जरूरी है, और अगर आप मैक्रोस जानते हो तो और अच्छा है आपके लिए, तो आप ये फील्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेन फ्रेम्स। तो ये एमएफ क्या है? एमएफ एक सीखने के लिए आपके लिए एक बोल सकते हैं लैंग्वेज है, जिसमें सी, एसक्यूएल, कोबोल, आरपीजी, डीबी टू और AS/400 सिखाया जाता है। ओके? और ये AS/400 आपको नहीं पता होगा तो आने वाले वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। एक मोचा टूल है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप गूगल आउट सर्च कीजिए। मोचा टूल को आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में और सीख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड है मेन फ्रेम में। तो ये मेन फ्रेम आपके लिए सुइटेबल है और आप जा सकते हैं इस फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड है। तो ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, बस प्रैक्टिस करते रहना होगा, आप इजिली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है एंटरप्राइज सर्विस। तो ये एंटरप्राइज में आपको जानना जरूरी है सेप और ओरेकल। अगर आप सेप और ओरेकल जानते हैं तो आप ये एंटरप्राइज सर्विस को का डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका चौथे नंबर पे कॉग्निजेंट का इंटरएक्टिव। और ये क्या है? जो HTML सिखाते हैं इसमें CSS सिखाते हैं, फिर JavaScript सिखाया जाता है, फिर एडोब फोटोशॉप और लास्ट में आ जाता है PHP। अगर आप ये सब में इंटरेस्टेड हैं, ये सब सीखना चाहते हैं, तो आप ये फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये फील्ड काफी अच्छा फील्ड है और इसमें आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप चूज कर सकते हैं इंटरेक्टिव्स। ठीक है, फिर आ जाता है डेटा वेयर हाउस, जो कि डेटा के लिए यूज होता है ना, जहां सब डेटा से स्टोर होते हैं, इसके लिए वो लोग आपको सिखाएंगे कॉग्नोस और इन्फॉर्मेटिका वो लोग सिखाएंगे, और ये सीख के आप डेटा वेयर हाउस डोमेन को अच्छे से सीख सकोगे और समझ सकोगे। फिर आ जाता है एडवांस जावा। एडवांस जावा अगर आप डोमेन लेना चाहते हो तो इसके लिए एसिमिलेशन टेस्ट भी होता है, उसको आप क्वालिफाई करके आप ये डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको ट्रेनिंग देंगे जावा में, SQL में, सर्वलेट में और JSP में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपको एक अलग डोमेन या फिर एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में मर्ज कर दिया जाएगा जिसमें आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, फिर आ जाता है कस्टमाइज जावा। ये भी एक फील्ड है, डोमेन है, जो कि J2EE+ वेब सर्विस के ऊपर है। तो आप ये भी फील्ड चूज कर सकते हो अपने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि ये फील्ड काफी अच्छा फील्ड है और इसमें आप ग्रो कर सकते हो और सीख सकते हो J2EE+ वेब सर्विस। फिर आ जाता है डॉट नेट,
जो कि बहुत लोगों का फेवरेट भी है देखा जाए तो, ओके। तो उनके लिए इस फील्ड में जाने के लिए उनको नॉलेज होना जरूरी है सी शार्प, एसक्यूएल और एएसपी डॉट नेट का। अगर आपके पास ये तीन नॉलेज है तो आप डॉट नेट का डोमेन को ले सकते हो और इसमें अच्छे से लॉन्ग लास्ट कर सकते हो ज्यादा तक, ओके। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है एक्सप्रेस बैच, जो कि अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर हो जिसमें वो लोग ट्रेंड करने वाले हैं और आप ये डोमेन ले सकते हो अपने लिए। अगर आपको ये डोमेन चाहिए तो आप इस फील्ड में एक अच्छा प्रोग्रामिंग का नॉलेज के साथ आइए, तो आप इसमें लाइफ टाइम या फिर आप लंबे टाइम तक अपना कैरियर इसके साथ रह सकते हो। और फिर आ जाता है डेटा साइंस, जो कि डेटा साइंस बहुत अच्छा फील्ड है, आपको इसमें सीखने बहुत मिलेगा और बहुत बड़ा स्कोप है, जिसमें ML AI भी आ जाता है और इसमें डेटा के ऊपर वो लोग सिखाते हैं, डेटा एनालाइजिंग, डेटा प्रिडिक्शन, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट एल्गो प्लस डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक के साथ डेटा एनालाइज किया जाता है और फिर डेटा को प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये डेटा साइंस का भी है एक डोमेन जो कि आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए डेटा साइंस का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।